हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। लास्ट लेक्चर में हम बिजनेस मैनेजमेंट के कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी डिस्कशन। मीनिंग ऑफ बिजनेस को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का हमने इंट्रोडक्शन और 2 ऑब्जेक्टिव हमने पूरे कर लिए थे। पहला हमने किया था सर्वाइवल एंड सेकंड किया था स्टेबिलिटी। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव? आपने सबसे पहले बिजनेस के अंदर सीखा था कि आपको पढ़ना कैसे है और पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने बोला था कि बिजनेस में मैंने आपको आपके नोट्स के अंदर 3 डेफिनेशंस दी हैं, उसमें से आपको कोई भी एक डेफिनेशन आपको जनरल सेंस की लेनी है, जो इम्पोर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के हिसाब से। तो मैंने आपको बोला था कि ये वाली डेफिनेशन आप ले लेंगे। बिजनेस रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी फॉर एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। और इसके बाद आप एज पर पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से आपको बिजनेस का मीनिंग बिल्कुल कंपलसरी है एग्ज़ाम के अंदर देना, उसके बिना आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको ज़रूरी है वो लिखना। तो एक बार ही हम देख लेते पीटर एफ ड्रकर जी ने क्या बोला था कि बिजनेस वो है जो क्रिएट और मैनेज पीपल के द्वारा किया जाए। इसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन आपके साथ कर ली थी, उसके लिए आप पहला लेक्चर देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बिजनेस के अंदर भी हमने पहले फिर मीनिंग लिया था। व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव, जो हमने लिया था ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 2 बुलेट पॉइंट का। उसके साथ फिर हमने एक चार्ट बनाना सीखा था आपके साथ कि पेपर में आप किस तरीके से लिख के आएंगे। उसके बाद हमने सर्वाइवल को एक्सप्लेन किया था एंड देन फिर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। जो स्टूडेंट्स इन नोट्स को लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इनको बिना कुछ ऐसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आप रेड कलर की जो इंक देख रहे हैं उनके बिना आप इनको लेना चाहते हैं, जैसे मैंने इनको लिख दिया बार बार, आपका रेड इंक से क्या कर रखा है मैंने, मार्क किया है, ऐसे आप ग्रीन कलर देख रहे हो, इनके बिना कोई चाहता है तो आप क्या करेंगे, मुझे आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल के लिख दीजिए। उसके बाद हम आपको ये वाले जो पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन है आपके नोट्स आपको ईमेल पर दे दिए जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, मैं ये मान के चलती हूँ आपके साथ। हमने सर्वाइवल और स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद हम अपना थर्ड ऑब्जेक्टिव लेने जा रहे हैं, वो क्या है आपके लिए, दैट इज़ ग्रोथ। अब ग्रोथ में आपका क्या टॉपिक है, ग्रोथ में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले जब आपके पास स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, ध्यान से सुनना, आपको ऐसे ही स्टार्टिंग, मैंने सर्वाइवल लिखकर जब हम स्टेबिलिटी में बोल रहे थे तो स्टेबिलिटी में मैंने बोला था जब हमें सर्वाइवल मिल जाता है तो फिर हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है स्टेबिलिटी। इसी तरीके से आप लिखेंगे ग्रोथ के अंदर, जब हमें स्टेबिलिटी मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट मीन्स कि हम एक तरह से बहुत कंफर्ट की सिचुएशन में अपने बिजनेस में आ जाते हैं। उसके बाद कई ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती हैं ताकि उस बिजनेस को बढ़ाया जाए, बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ के नाम से। देखिए मैं यहाँ पर मेरा मेन फोकस आपको प्रेजेंटेशन सिखाना है, साथ में नोटिंग देना है। मैं अपने लेक्चर्स के अंदर डिटेल में ज़्यादा एग्जाम्पल को यूज़ करके एक कंसेप्ट को नहीं बताऊंगी, आई होप, क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अंदर ये वाला चैप्टर है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कई बार कई टीचर से ये पढ़ रखा होगा, या फिर जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं उतनी एक्सप्लेनेशन जरूर कर रही हूँ जिससे आपके माइंड में आई होप क्लियर हो जाए। लास्ट अटेम्प्ट है इसमें आपका ओल्ड सिलेबस का, तो इसलिए जितनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है केवल उतनी ही रिक्वायरमेंट मैं दूंगी। एक्स्ट्रा एग्जांपल देने की कोशिश करने से क्या होगा ना, आपका जो लेंथ ही हो जाएगा टॉपिक, और मैं चाहती हूँ कम से कम टाइम में मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करवा सकूँ। तो चलते हैं आपका, तो मैंने क्या बोला था आपका ग्रोथ पर, आपको सबसे पहले ग्रोथ पे जब जाएंगे जब आपकी स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, तो वही लाइन मैंने फर्स्ट लाइन में लिखी है। देखिए एक बार क्या लिखा है, वंस द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एबल टू अचीव स्टेबिलिटी। आई होप क्लियर है कि स्टेबिलिटी जब ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती है तो वो कंसिडर कर सकता है, जरूरी नहीं है। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कई ऐसे बिजनेस होते हैं कि वो यहीं इसी स्टेज पर काम करना पसंद करते हैं कि उनको लॉस आपका कवर हो गया उनका, या फिर मान के चलो उन लोगों के जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपके कवर हो रहे हैं,
लॉस हो नहीं रहा है या एक्सपेंसेस सारे के सारे कवर हो रहे हैं, तो ऐसी स्टेज में रहना ही पसंद करते हैं, वो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। मैंने बताया था स्टेबिलिटी आपकी एक तरह से क्या है, नॉन रिस्की सिचुएशन है, लेकिन ग्रोथ के अंदर बहुत रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि आपको नए नए एक्सपेरिमेंट इसके अंदर करने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम फिर, इट कैन कंसिडर एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच मे, ये क्या वर्ड है मे, आपको शायद कम दिख रहा होगा, विच मे रिलेट टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब आगे एरिया को बढ़ाना, ऑफ इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑफ इट्स एरिया मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, अपने काम की एक्टिविटीज को और ज़्यादा बढ़ा देना। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ न्यू यूनिट, एक यूनिट है आपकी एक ब्रांच के अंदर है, मान के चलो आप दिल्ली के अंदर हो और दिल्ली के अंदर आपकी एक ब्रांच लगी हुई है, आपने दिल्ली के अंदर ही जैसे रोनी में या तो प्रीतमपुरा में एक नई ब्रांच और खोल दी, दैट इज़ कॉल्ड, वो भी आपका एक्सपेंशन कहलाता है, या फिर मर्जर, आपने दो एंटिटीज़ हैं आपने दोनों को मिला दिया। हम मर्जर को नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू मीन बाय मर्जर, अभी सिंपल मीनिंग ले लीजिए कि आपने दो यूनिट्स को आपने क्या कर दिया, मिला लिया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप मिलकर अब काम कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ इज इक्वेटेड, दैट इज ई, ग्रोथ इज इक्वेटेड विद फुल ऑफ प्रोमिस रिस्की पाथ्स, मतलब पूरा का पूरा जैसे बोलते हैं ना कांटो भरा रास्ता है, वो है आपका ग्रोथ। आई थिंक क्लियर है। तो आपको दो तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है, सबसे पहली बात है जब स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है तब हम ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं, जब तक स्टेबिलिटी अचीव नहीं होगी तब तक ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ग्रोथ में एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, मर्जर ये सब शामिल होता है, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है ग्रोथ स्ट्रैटेजी, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है, यदि उसी स्ट्रैटेजी को आप यहाँ एक्सप्लेन कर दोगे तब भी आपका काम चल जाना है। यह हमने थोड़ी सी बात ली है क्या कि यदि आप अपने ऑपरेशन, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हो, जैसे आप आज के अभी आप सिर्फ और सिर्फ रिटेल में लगे हुए हो, आप उसका प्रोडक्शन भी करने लग जाते हो सामान का, आप रिटेल में करो, मान के चलो क्लोज को आप रिटेल में सिर्फ सेल परचेज में हो, आप अभी उस प्रोडक्ट को बनाने भी लग जाते हो, क्लोथ को प्रोडक्शन में ले आते हो, मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते हो, तो उसको भी हम किस कैटेगरी के अंदर बोलेंगे, ग्रोथ। ग्रोथ का कौन सी वो एग्जांपल हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन। नई यूनिट का मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ कि आपकी एक ब्रांच आपकी रोहनी में आपने प्रीतमपुरा में खोल दी तो वो सेटिंग ऑफ न्यू यूनिट्स हो गया। मर्जर का मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन जब आपस में मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी मर्जर। ये सब टाइप है आपके किस चीज़ के, ग्रोथ के। फिर थर्ड बुलेट पॉइंट आता है कि रिस्क की पाथ पूरा है, प्रोमिस है आपका ग्रोथ, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे एग्जाम के अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एफिशिएंसी, पांच तरह के प्रॉफिट हम तीन कर चुके हैं, फोर्थ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। सबसे पहले क्या है एफिशिएंसी का मीनिंग समझना, एफिशिएंसी का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सिस का, जितने चाहे लेबर है आपके पास, चाहे मनी है, चाहे आपके पास लैंड है, रिसोर्सिस मैंने आपको मैं एक आपका ऊपर आपको एक आइकन दिखेगा आईडी कार्ड, उस पर क्लिक कर ले, आपको थर्ड लेक्चर मिलेगा, उसके अंदर मैंने रिसोर्सेज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो चाहता है रिसोर्सेज को जानना ज़्यादा डिटेल के अंदर तो एक बार उस लेक्चर को देख ले। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जितने हमारे पास लैंड, जो लेबर है या फिर जो मनी है, उसको हमें अपना बेस्ट फॉर्म के अंदर उसको यूज़ करना है, बेस्ट का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसकी करनी है। ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या लिखा है ऑर्गेनाइजेशन है ये मेरा, ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द बेस्ट, बेस्ट बोलो या फिर ऑप्टिमम बोलो, आपको वर्ड ऑप्टिमम ले लेना, मैंने सिंपल भाषा के लिए बेस्ट लिख दिया है, आप दोनों में से एक ले लेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव मैनर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने पहले अपना कुछ 11th क्लास के अंदर ही ये टॉपिक आता था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिव, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव, काम को पूरा करना प्लस काम को विद इन अ टाइम और लो कॉस्ट के अंदर पूरा करना। आई थिंक यही एग्जाम्पल आपसे को इससे याद आ जाएगा, आपको अपने रिसोर्सेज का पूरा अच्छे से यूज करना, वेस्ट नहीं करना, आपको कॉस्ट कम से कम लेके आनी, कॉस्ट मिनिमम लेके आनी, कॉस्ट मिनिमाइज करनी, काम को पूरा करना अच्छे से पूरा करना आपको, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव। आई थिंक क्लियर है। तो आपको ये वर्डिंग लिखनी है एफिशिएंसी के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने रिसोर्सेज का पूरा अच्छे से यूज करे, कोई वेस्टफुल ना करे और साथ में काम को पूरा अच्छे से करेगा।
नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी यूजफुल ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल ये मार्किंग कर लेना, एक नंबर के लिए कोई नंबर आप में एमसीक्यू आ सकता है। इट इज़ वेरी यूजफुल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी के लिए। जब तक आप काम को पूरा नहीं करोगे और विद इन मिनिमम कॉस्ट के अंदर नहीं करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छे ढंग से रन नहीं हो सकता है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव हमेशा काम करने के तरीके से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को आपको ऑब्जेक्टिव, ऐसा ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, चाहे आपकी कोई भी प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आपका काम करेगा ही करेगा। ये मैंने लिखी हुई लाइन यहाँ से नेक्स्ट से देख सकते हो आप, एफिशिएंसी इज एन ऑब्जेक्टिव विच इज कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। एक क्वेश्चन बन के आया भी था आपके आपके पीएम में भी मिला है, और एक क्वेश्चन आपके सजेस्टेड ये जो आपके आते हैं, आप जो पेपर देते हैं एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है या फिर आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव रहेगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज़ अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव या कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, का मतलब चाहे आपके प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट, सब में ये काम करता है। और ये आपका नेक्स्ट एक बुलेट पॉइंट और रह गया है कि एफिशिएंसी रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब एक तरह से रिसोर्सेज, क्या आप जैसे रॉ मटेरियल ले जाओ दैट इज कॉल्ड द इनपुट, आपका जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है क्लोथ वो दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है वो क्या कहलाता है आपका, एफिशिएंसी। आई थिंक क्लियर है ये, बस एक बार रीड कर लो आप। रिसोर्सेज आर यूज इन अ बेस्ट वे, हम ये चाहते हैं कि रिसोर्सेज अच्छे तरीके से यूज़ हों, इफेक्टिव मैनर में यूज़ हों और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको निकालने के लिए, याद रखने के लिए, मैंने आपको याद करवाने के लिए निकाल रखे थे। अभी मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है ना एफिशिएंसी, या जिसको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्पीड यदि ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप उसको बैक करके एक बारी रिपीट देख लें, आपको क्लियर जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आपका टॉपिक अभी आपका लास्ट प्रॉफिट। देखो हमने एक सर्वाइवल किया, फिर हमने स्टेबिलिटी की, फिर हमने ग्रोथ किया, फिर हमने एफिशिएंसी की, और लास्ट की तरफ बढ़ रहा है प्रॉफिट। बस ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, बिजनेस क्लियर हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएम के अंदर वो भी आपके क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आपके एसएम और पीएम से आ जाते हैं। पीएम में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और स्टडी मटेरियल के अंदर भी प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी डिटेल के अंदर दे रखा है। तो आप सबसे पहले प्रॉफिट की ये कीवर्ड लिखेंगे, सबसे पहले जब भी प्रॉफिट लिखेंगे तो पहला कीवर्ड ये लिखेंगे, प्रॉफिट इज़ द यार्डस्टिक, मतलब एक तरह से आपका फंक्शन है, मेजरमेंट है कि इसके लिए कौन सा ऐसा एक्ट है, एक तरह से फंक्शन है क्या, किसके लिए, फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यदि बिजनेस की मुझे परफॉर्मेंस को मापना है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को मापना है, तो प्रॉफिट एक की टूल है जिससे मैं मेजर कर सकती हूँ। यदि मान के चलो आपका प्रॉफिट एक साल में 10,000 हो रहा है, फिर आपका प्रॉफिट मान के चलो 50,000 हो गया नेक्स्ट ईयर में, तो आप क्या कहोगे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है। तो इसका मतलब यानी परफॉर्मेंस आप देख रहे हो ना, कि आपकी परफॉर्मेंस किससे हम मेज़र कर सकते हैं, प्रॉफिट से। यदि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को देखना है तो हम मैं प्रॉफिट को देख लूँगी, मुझे पता चल जाएगा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या मुझे कुछ और एफर्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक क्लियर है पहली लाइन। चलिए अब सबसे पहले ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव है, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो आप। हर एक बिजनेस का आपका ऑब्जेक्टिव क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट कहलाता ही कहलाता है। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ से देखिए एक बुलेट पॉइंट आपको थोड़ा सा मैं आगे करती हूँ, आपको आराम से दिखेगी लाइनें। ये देखिए आपको ऐसे लिखना है, इज़ अ ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव, क्या लिखेंगे आप, इट इज़ अ ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इज़ अ ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव फॉर द मोस्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब हर एक बिजनेस में आप कहें चाहे नहीं कहें, प्रॉफिट तो आप का टारगेट होता ही है कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमा लें, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो ऑर्गेनाइजेशन सबका लगभग सबका मानना होता है कि कैसे चलेगी। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट ना ऐसा होना चाहिए जो एथिकल हो, मतलब ना ज़्यादा हो ना कम हो। ऐसा अनफेयर प्रॉफिट नहीं कमाना है कि आप 10 KG 100 में बेच दो। प्रॉफिट शुड बी अर्न इन अ एथिकल मैनर एंड नॉट बाय हुक एंड क्रूक। मतलब ऐसा नहीं कि बस 10 KG किसी तरीके से भी चली जाए, बस मुझे आपकी क्या करनी है, बेचनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट है, क्या बिजनेस का सिर्फ हम एक ही ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं इसे, क्या और भी ऑब्जेक्टिव है? तो हमने बात की थी आपके साथ बिल्कुल कि आपका, हम ये कहेंगे प्रॉफिट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, वन ऑफ द, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, वन ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव में से एक है। यानी कि बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें से एक जो मोटिव है वो प्रॉफिट है, जो ऑब्जेक्टिव है एक आपका प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन यदि आप बोलो सिर्फ प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में आता है कि प्रूव करो, तो प्रूव करने में भी जब भी आएगा ना, तो जो मैंने ये बुलेट पॉइंट लिख रखे हैं आप उनको चुपचाप करके यही पॉइंट लिखाना, आपका पूरा सही कवर होगा, पूरा बेस्ट तरीके से कवर होगा क्वेश्चन। तो जैसे ये लिखा है, इट इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बट इट कांट बी सेड एज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो आप सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, इनको एक्सप्लेन करके आओगे अपना, ऑटोमेटिकली आपको जो आईसीआई चाह रहा है ना, वही आपको, आप बिना कहे मतलब इन नोट्स को लिखा होगे तो आईसीआई के मैच ऑफ द जो उनका सजेस्टेड आंसर्स आते हैं उनके हिसाब से अपने आप ही मैच हो जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने आसान तरीके से आप पेपर में लिखा है। तो हमने ये तीन बुलेट पॉइंट अभी किए, ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव के नाम वाला, एक है कि ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट अपने नोट्स के अंदर जब आपको मिलेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ओनली नहीं है, सिर्फ आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इससे आपको पूरी लाइन नहीं पढ़नी है, बस इनको कीवर्ड को पढ़ के जाएंगे और आपका जल्दी स्टडी, जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक होती है कि किस तरीके से हम विद इन अ सेकेंड में चैप्टर को पूरा का पूरा निकाल लें। तो ये मैंने कहीं बुलेट पॉइंट लिख रखे हैं आपके लिए, और कहीं नहीं मिलेंगे तो कहीं आप इससे कंफ्यूज हो कि कहीं लिख रखा है कहीं नहीं लिख रखा है, जहाँ रिक्वायरमेंट लगी सिर्फ वहीं लिख रखे हैं। नेक्स्ट, और क्या टॉपिक प्रॉफिट से निकल सकता है? सबसे पहले क्या एक क्वेश्चन निकल के आता है, ये सारे क्वेश्चनों को मैंने इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पर। प्रॉफिट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो क्या? प्रॉफिट को क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं क्या? किसके लिए? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन में देखिए, यदि मैं प्रॉफिट को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखूंगी तो कभी भी मैं बिजनेस को लंबे समय तक नहीं जा सकती। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? मेन मतलब सबसे पहला मेरा टारगेट है कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ कमाऊँ। जब भी मैं सेल करूँ या जब भी मैं किसी भी सामान को बेचूँ तो मेरा मेन टारगेट क्या होगा कि मुझे प्रॉफिट उसमें कमाना ही कमाना है। यदि यदि मैंने ये प्रॉफिट मतलब दैट मीन्स कि आपको अभी मैंने बोला मेजरिंग के लिए, यदि आप ये वाला टारगेट रख के अपने बिजनेस को चलाओगे ना, सिर्फ ओनली प्रॉफिट को रख के चलाओगे तो बिजनेस बहुत समय तक, लंबे समय तक नहीं चलेगा। आपको क्या क्या और देखना है, साथ में कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी देखना है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी देखना है, और अपनी गुडविल को क्रिएट करना है। इन चीज़ों को भी साथ साथ में लेके चलोगे तो डेफिनेटली कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। तो इसको देखो पेपर में कैसे ये क्वेश्चन बन के आ सकता है और आप क्या लिखेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा, प्राइवेट एंटरप्राइज पहली लाइन में जो दे रखा है, फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज प्रॉफिट इज कंसिडर एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बस तो आप बोलो कि एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को, तो आप क्या करोगे? तो पहले प्रॉफिट का मीनिंग देना है थोड़ा सा, आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के अंदर वो चार्ट बनाएंगे, चार हैं तो उसके अंदर फिर ऐसे एक्सप्लेन करके आना है पेपर में, ताकि पूरा ऊपर से आप एक्सप्लेन कर पाओ कि हम किस स्टेज के अंदर, हम एकदम से इस टॉपिक पे, इस बुलेट पॉइंट पे नहीं जाना है आपको। चलिए तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंसिडर करते हैं, आप एक्सप्लेन करेंगे, और जब आपके जितने दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके फैसिलिटेटिव ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि सिर्फ फैसिलिटी देते हैं ताकि बिजनेस आगे बढ़ जाए। लेकिन अब फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉफिट कभी भी आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता इन लॉन्ग रन, लंबे समय में। शॉर्ट रन में ठीक है, यदि लंबे समय तक की बिजनेस को चलना है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं रह सकता। तो इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, जो मैंने ये बोला कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको चाहिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रॉफिट को कभी भी कंसिडर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते हैं लॉन्ग रन में आपका। इसी कारण से आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट आपका वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, नॉट ऑन द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ आ बिजनेस। देखो दो क्वेश्चन निकल गए ना इसमें, एक तो पहली वाली बात कि आपको प्रूव करो कि आपका प्रॉफिट वन ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ओनली ऑब्जेक्टिव है, दोनों की कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में बन के आ गई तो पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया ओनली एंड वन को कि भाई इसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी भी है आपका, सर्वाइवल भी है, ग्रोथ भी है, एफिशिएंसी भी है। एक वर्ड ये हो गया और एक आपकी एक्सप्लेनेशन ये वाली हो गई। आई थिंक क्लियर हो गई, ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है। यदि आप ये सारे पॉइंट यहाँ पर, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट क्या आता है, ये क्वेश्चन आया तब भी आप यही लिखा है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और ओनली ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना आया तब भी आप यही वर्डिंग लिखा है, तब भी आपके क्वेश्चन हर तरीके से कवर हो रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया।
एक मैंने कॉमन और यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल देता, कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है ध्यान रखें, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज कॉमन ऑब्जेक्टिव है, आपका यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है। आपको क्वेश्चन बन के क्या आ सकता है कि प्रॉफिट इज अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव, ट्रू और फॉल्स, या एक्सप्लेन। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट इज नॉट अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका आप बोलते हो, उनका कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है, इतना ही लिख के नहीं आना है कि प्रॉफिट को एक्सप्लेन करते, नहीं, सिर्फ 3 लाइनें लिखी आपने इसके अंदर। आपका मान के चलो क्वेश्चन आया कि प्रॉफिट आपका ये, आप यहाँ देखो, प्रॉफिट मे नॉट बी ए यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव आंसर बिकॉज मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक चैरिटेबल, आपके जो ट्रस्ट हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डोंट एम, उनका एम नहीं रहता है टू अर्न द प्रॉफिट। ये वाली लाइन तो आपकी ये हो गई, लेकिन साथ में यदि क्वेश्चन बन के आता है तो फिर आप क्या लिखोगे, एफिशिएंसी वाली लाइन को अटैच कर देंगे एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव के अंदर। जो मैंने लाइन लिखी कि एफिशिएंसी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर देखिए, इज ऑब्जेक्टिव विच इज अ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एफिशिएंसी इज द यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव। क्यों है, क्योंकि वो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है, और किस लिए है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग। तो ये तीनों वर्ड उसके साथ अटैच करके आने हैं। इतना जब आप याद करेंगे तो इतना तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसके साथ कौन सी वर्डिंग अटैच करनी है। लेकिन फिर भी बिल्कुल जीरो लेवल से मैं लेके चल रही हूँ ताकि आपको मैं हर चीज़ बता पाऊँ। यदि मैं ऐसे बताती जाऊँगी तो आपका माइंड खुद डेवलप हो जाएगा, अच्छा इस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना होता है। यदि आपको जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे हैं और आप ये नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी राय देकर मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, और आप जो एक्स्ट्रा चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। नोट्स चाहिए आपको तो आप ईमेल आईडी प्लीज़ लिख दें ताकि आपको मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ ये नोट्स। चलिए एक पॉइंट लास्ट आपका थोड़ा सा और है कि प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेशन किसके साथ है। देखो इसी के साथ क्वेश्चन निकला है, एफिशिएंसी का रिलेशन किसके साथ था, इनपुट और आउटपुट के साथ। ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, बस और कुछ नहीं। यदि आप ऐसे ही पढ़ लोगे हर पॉइंट को, देखो मैंने क्या किया, स्टडी मटेरियल में जितने पॉइंट थे उनके बुलेट पॉइंट बना दिए, उनको एक्सप्लेन कर दिया है एक रिलेशन बना के, जिससे आपको भी पढ़ना आसान हो जाए और आपको मजा भी आए। एफिशिएंसी में मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया था कि यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा बोला था कि रिलेशनशिप किसके बीच में बोलता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। क्या प्रॉफिट किसके बीच में रिलेशन बोलता है, आपका प्रॉफिट रिलेशन किसके बीच में आता है। देखो ये मैंने जानबूझ के काटा हुआ, ऐसा नहीं कि गलती हो गई थी, इनपुट आउटपुट को याद दिलाने के लिए कि इनपुट आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसके बीच में होता है, एफिशिएंसी के बीच में होता है। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की यदि मैं बात करूँ तो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ। प्रॉफिट का जो रिलेशन होता है हमेशा किसके साथ होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ। आपने कई बार देखा भी होगा कि पूछते हैं हम कितनी रिटर्न है भाई इस बिजनेस में, रिटर्न इन द सेंस का मतलब है कि आप कितना पैसा लगाकर आपको कितना कमाई मिलेगी। जैसे 20% कोई कह देता है तो इसका मतलब 1 लाख के पीछे कितना मिलता है, मान के चलो 1 लाख लगाते तो 20% है तो कितना 20,000 आ जाएगा। यदि मैं 5 लाख की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर किसके साथ रिलेशन हमेशा देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट के साथ। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द इन्वेस्टमेंट। क्यों है, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस जो एंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑपरेट की जाती है, किसके बिहाफ पे ऑपरेट की जाती है, आपका ओनर्स के बिहाफ पे, और किसके बेनिफिट के लिए की जाती है, ओनर्स के बिहाफ पे। देखो दो चीज़ें हैं, ओन द बिहाफ की और कोई करे जैसे मैनेजमेंट करे, फॉर द बेनिफिट मतलब किसके बेनिफिट के लिए, वो भी ओनर्स के लिए। क्यों ओनर्स के लिए, क्योंकि ओनर्स ही तो हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, फंड्स अरेंज करके देते हैं, तो या फंड्स देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, आपका की रिलेशनशिप किसके साथ दिखाएंगे हम, इन्वेस्टमेंट के साथ दिखाएंगे। आई थिंक क्लियर करें, हम आगे बढ़े आपके साथ। चलिए ये हुई प्रॉफिटेबिलिटी के की कंपोनेंट, हमने पॉइंट किया प्रॉफिटेबिलिटी एक परफॉर्मेंस के लिए है, एक ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव है, हमें एथिकल पे जाना चाहिए, एक ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि फैसिलिटेटिव के लिए दूसरे ऑब्जेक्टिव भी हमें लेने होते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहलाएगा ये, कहता है नहीं। क्यों, क्योंकि हम यदि लॉन्ग रन में रहना है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यदि हम प्रॉफिट को रखेंगे तो हमारा बिजनेस आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। रिलेशनशिप किसके साथ दिखाता है, इन्वेस्टर के साथ या इन्वेस्टमेंट के साथ। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किससे लिंक है, ओनर से, कि ओनर्स कौन है जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। क्या यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, कहता है नहीं, क्योंकि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी भी हो सकती है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है।
अब लास्ट पॉइंट रहता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आता है, एक्सप्लेन द प्रॉफिट एज पर पीटर एफ ड्रकर। अभी तक तो बुलेट पॉइंट की बातें चल रही थी, इसमें जो भी ये सारे बुलेट पॉइंट हमें पेपर में लिख के आना है, कहता नहीं, आपको 3 से 4 जो आपका क्वेश्चन आएगा, जो स्टेटमेंट बन के आएगी उससे रिलेटेड में क्वेश्चन आपको बनेगा, उससे रिलेटेड आपको वो बुलेट पॉइंट लिख के आने हैं। 3-4 बुलेट पॉइंट है जो आपको लिखने ही लिखने। एक तो आपका पहला जो मेजरिंग वाला है, ये तो हर एक में चलेगा। दूसरा ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव वाला, ये भी आपका मेन में चलना ही चलना है। ये 2 पॉइंट तो ऐसे हैं जो जाते के साथ लिखने ही लिखने हैं। अभी फिर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा आया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया, ओनली वन का ऑब्जेक्टिव आया, तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। रिलेशनशिप का आया तो एफिशिएंसी को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यूनिवर्सल आया तब भी एफिशिएंसी को साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस इतनी सी छोटी सी बात थी। अभी चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। एज पर पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से प्रॉफिट की एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं। देखो, पीटर एफ ड्रकर जी ने बिजनेस के बारे में 2 कंक्लूजन दिए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ध्यान से सुनना। पीटर एफ ड्रकर जी ने 2 कंक्लूजन दिए थे अबाउट द बिजनेस। तो पहला तो बिजनेस की डेफिनेशन आपके साथ थी, जो मैंने एज पर पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से जो बिजनेस की डेफिनेशन बोली थी, विच इज़ क्रिएटेड बाय एंड मैनेज बाय द पीपल दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। ये हम पहले ही फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन बहुत डिटेल में कर चुके हैं। और दूसरी जो कंक्लूजन दिया था वो ये दिया था कि बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। मैं दोबारा बोल रही हूँ, पीटर एफ ड्रकर जी ने बिजनेस से रिलेटेड में 2 कंक्लूजन दिए थे बिजनेस के बारे में। पहले बिजनेस की डेफिनेशन दी थी। बिजनेस की डेफिनेशन क्या थी? बिजनेस इज दैट विच इज़ क्रिएटेड एंड मैनेज बाय द पीपल। ये ऊपर नोट्स में लिखा हुआ है तो दोबारा से लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड कंक्लूजन ये दिया था, बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अब यही कंक्लूजन मुझे एक्सप्लेन करना कहता है, एक्सप्लेन पीटर एफ ड्रकर स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉफिट। ये क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट के बारे में पीटर एफ ड्रकर जी ने जो कहा है वो एक्सप्लेन करो। अब आप अपनी ही कहानी कुछ ना कुछ लिखते रहोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे? तो आपको कैसे लिखना, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, एज पर पीटर एफ ड्रकर जी ने क्या बोला है, सेज अबाउट द प्रॉफिट एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट। देखो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जरूर थी, लेकिन पहली लाइन में ये लिख दिया था, बिजनेस कैन नॉट बी, बिजनेस कांट बी एक्सप्लेन, कैन लिख लो यहाँ पर, कैन नोट बी या कांट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आगे ना वही लाइन कि बिजनेस को कभी भी प्रॉफिट में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज का जो समय है, इन मॉडर्न टाइम, ये कभी भी हो, पेपर में मांगा हो या नहीं हो, प्रॉफिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस लाइन को प्लीज लिख के आ जाना, ICI बहुत खुश हो जाएंगे। इन मॉडर्न टाइम मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट हैज अ लिटल रेलिवेंस, बहुत कम इम्पोर्टेंट है यदि आप प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की टारगेट पे रखते हो। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या, समझा दो एक बारी बहुत, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिख के चलना। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट को बेचना है या सर्विसेज को बेचना है एट अ हायर प्राइस। आज का टाइम वो गया, कॉस्ट से ज़्यादा टाइम पर बेचना वही तो प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है, सारे प्रोडक्ट को उस प्राइस पर बेचो, कॉस्ट से ज़्यादा वाले प्राइस पे बेचना ही आपका क्या है कि आप मैक्सिमाइजिंग आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट। आज के टर्म में इसकी लिटिल रिलेवेंस है, बहुत कम इंपॉर्टेंस रह गई है। आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेल्थ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कंसिडर करना है। वेल्थ डेवलपमेंट हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए ये वाली लाइन आपको लेनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है हमें। वेल्थ क्रिएट कैसे होगी, कस्टमर को क्रिएट करके। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, सेवरल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। मैंने क्या बोला, नॉन फाइनेंशियल, ना कि फाइनेंशियल फैक्टर, नॉन फाइनेंशियल। कैसे, गुडविल, उनके रिलेशन सोसाइटी में, सोसाइटी के जितने फैक्टर्स हैं, इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में आपको ध्यान रखना है अपनी वेल्थ को क्रिएट करने में। तो ये टॉपिक था आपका मीनिंग ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो हमने बहुत डिटेल के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया। अब आते हैं हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गए, या जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एक बार एक्सप्लेन करना है कि हम उनके अंदर क्या लिखेंगे, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप इस लेक्चर के बाद बेशक अपना पूरा जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो PM एक बार उठा के देख लेंगे, क्या इन दोनों के दोनों लेक्चर्स का, जो पहला लेक्चर है, जो अब ये लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, इन दोनों को कंबाइन करके इस टॉपिक को बेशक फाइंड आउट करके देख लेना, क्या आपके सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, सारा बिजनेस के मीनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं क्या। चलिए हम जल्दी से जल्दी देखते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्या आपको आ गया ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बना, प्रॉफिट में नॉट बी अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव बट बिजनेस एफिशिएंसी इज डेफिनेटली एन ऑब्जेक्टिव,
कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बताओ आंसर क्या है, करेक्ट यह है या इनकरेक्ट है, यही क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट मे नॉट बी अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल, और एफिशिएंसी को क्या कहते हैं हम, कॉमन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये हमारी वर्डिंग में आ गया ना पहले से ही, तो दैट इज करेक्ट। तो आपको एक्सप्लेन करना एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी वाले आपके जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर देना है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पेपर में अटैम्प्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज टू मोनिटर द इन्वायरमेंट, बेसिक ऑब्जेक्टिव ध्यान से रखो। अभी तो इन्वायरमेंट की बात मैंने की ही नहीं कहीं पर भी, नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा मेरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड वैसे, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो इसलिए हमें लेना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ जो बिजनेस का है, एंटरप्राइज का है, वो इन्वायरमेंट को देखना है। देखो इन्वायरमेंट को हम देखते जरूर है, क्योंकि बिना इन्वायरमेंट को देखे, बिना ये देखे कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, इंटरनल में एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, जब तक बिजनेस ग्रोथ ही नहीं करेगा। लेकिन आप ये बोलो कि मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, नहीं, बेसिक ऑब्जेक्टिव हमने चार ही या आपके मेन में पांच ऑब्जेक्टिव ही किए थे, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी और प्रॉफिट। इसके अंदर क्या मैंने इन्वायरमेंट को लिया कहीं पर भी, नहीं लिया, ऐसे क्वेश्चन निकालेगा वो। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या आंसर आएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट इज नॉट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी। यदि बड़े लेवल का क्वेश्चन है तो सबको दो दो लाइनों में एक्सप्लेन कर दो मीनिंग के साथ। मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट इज हेल्पफुल, ये लाइन साथ में बाद में लिख देंगे, हेल्पफुल टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। आई थिंक आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जो देखभाल करना है, वो हेल्प करता है हमें इन बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। चलूँ आगे मैं, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है, डिस्कस प्रॉफिट एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज पर पीटर एफ ड्रकर। ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपको करवाई दिया, लास्ट बुलेट पॉइंट अभी अभी एक्सप्लेन ही हुआ है, तो उसको एक बार दोबारा से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कैन अ बिजनेस सक्सीड इन द लॉन्ग रन बाय फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉफिट एज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देखो क्वेश्चन वही आया ना, ये क्वेश्चन सारे ही सारे पीएम के हैं भाई, मैंने कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया है इसमें। सारे जितने क्वेश्चन मॉक टेस्ट में थे, जितने पास्ट ईयर में पेपर थे, सब सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इसलिए आप डिटेल में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते जाओ, सारे क्वेश्चन कवर होंगे। और आपको एक अलग से बोलते ना पीएम कर जाओ, पीएम कर जाओ, पीएम कैसे कवर होगा, इसी तरीके से तो कवर होगा सब कुछ। क्या आप लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस को सक्सीड कर पाएंगे सिर्फ ओनली प्रॉफिट को फोकस करके, तो आपको क्या लिखना है, प्राइमरी नहीं, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट आपका ओनली ऑब्जेक्टिव हम नहीं कह सकते। क्यों, वन ऑफ द मेन मतलब सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, अदर ऑब्जेक्टिव, तो इनको एक्सप्लेन हल्का करना, मैंने लिख भी रखा एक्सप्लेन हिंट के लिए कि सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी को आपको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अब मैं बता भी दूंगी कितनी मार्क्स में क्या एक्सप्लेन करना है वो बाद में, लेकिन अभी आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो कंसेप्ट को समझते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, हाउ वुड यू आर्ग्यू दैट मॉडर्न एंटरप्राइज परस्यू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एंड नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। ये आपको लेक्चर मैंने फर्स्ट में दिया है, SM के चैप्टर नंबर 1 में आपको ऐसे मिलेगा, SM लेक्चर 1, चैप्टर 1, लेक्चर 1, तो उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है इसकी। ये आपका मैं दिखा भी देती आपको, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव और बिजनेस का टॉपिक जहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव और बिजनेस का जो टॉपिक है मैंने जहाँ एक्सप्लेन किया था उसके पहरे में था। चलो मैं एक बार दिखाई देती हूँ आपको, यहाँ पर चलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ये लिखा हुआ मैंने, एंटरप्राइज परस्यू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रदर दैन अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। एंटरप्राइज आज के समय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को रखती है, ना कि एक ऑब्जेक्टिव को रखती है, क्योंकि आज के टाइम में एक ऑब्जेक्टिव को रख के कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्टे नहीं कर सकती। यदि उसको आगे बढ़ना है तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखने पड़ेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में इतनी कैपेबल है, इतने उसके पास रिसोर्स है कि वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को अचीव भी कर पाए। लेकिन जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव कैसे, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी ले सकती है, एफिशिएंसी भी ले सकती है, और मोर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सिलेबस के हिसाब से ये लिखना है आगे ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ये लाइन जरूर लिखनी थी इसमें, नीड टू बैलेंस दीज ऑब्जेक्टिव इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। ये पूरा का पूरा जो ये पहरा है ना, ये इसके अंदर बिल्कुल सेम आप डिटो टेप देना, बस आपका काम हो जाएगा। देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हेडिंग 1, 2 और 3। 1, 2, 3 हेडिंग का मतलब है जो बुलेट पॉइंट मैंने फर्स्ट और सेकेंड और जो थर्ड दे रखा है ना, उनको लिख देना। लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, एक्सप्लेन द कंक्लूजन बाय पीटर एफ ड्रकर। कंक्लूजन मैंने बोला था कि आपके पीटर एफ ड्रकर जी ने बिजनेस से रिलेटेड में दो कंक्लूजन दिए हैं। यहाँ देखो, हैज ड्रॉन टू इम्पोर्टेंट कंक्लूजन अबाउट व्हाट इज बिजनेस। पहला,
ये डेफिनेशन वाली पॉइंट है जो हमने स्टार्टिंग में की थी, विच इज़ क्रिएटेड एंड मैनेज बाय पीपल, और सेकंड वाली पॉइंट थी बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, डिस्कस अर्लियर, अर्लियर में कहाँ एक्सप्लेन किया है ये वाला पॉइंट, अभी अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था ये वाला पैरा एज पर पीटर एफ ड्रकर, बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो ये बुलेट पॉइंट इन मॉडर्न टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तीन बुलेट पॉइंट बनते हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर देंगे आपका पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेपर में चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर टू है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर में मज़ा आया, अच्छा लगा। देखिए सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, मैं किसी पर बर्डन नहीं डालती कि आप सब्सक्राइब करो। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है बस मोटिवेशन के लिए एक लाइक या कमेंट में डाल दिया करो कि आपको क्या चाहिए है, ताकि बस आपकी हेल्प हो जाए। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर ही लास्ट करते हैं क्योंकि मेरा ये कंसेप्ट हो गया पूरा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्ट नंबर टू की तरफ आगे बढ़ेंगे।